हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सीखो इंग्लिश। तो आज हम पढ़ेंगे इटरम फॉर सर्जरी का लॉन्ग आंसर। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द कैरेक्टर स्केच, राइट लिखिए द कैरेक्टर स्केच मतलब चरित्र चित्रण ऑफ मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे का, मिसेस पम्फ्रे इज अ वेरी रिच लेडी। मिसेस पम्फ्रे एक बहुत धनी महिला है। सी लव्स मतलब प्रेम करती है हर लिटिल डॉग मतलब अपने छोटे कुत्ते ट्रिकी को वेरी मच बहुत अधिक। सी इज मच वरीड वह बहुत चिंतित होती है अबाउट ट्रिकीज मिजरेबल कंडीशन, ट्रिकी के दयनीय स्थिति के विषय में। वेन जब ट्रिकी बिकम्स वेरी फैट, ट्रिकी बहुत मोटा हो जाता है एंड लिटल लिस्टलेस और उदासीन हो जाता है कमा, तब सी थिंक्स वो सोचती है ट्रिकी को टू बी सफरिंग कि ये ग्रसित है फ्रॉम माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण से। द डॉक्टर एडवाइसेस मतलब क्या, डॉक्टर सलाह देता है मिसेस पम्परे को टू कट डाउन कम करने के लिए भोजन एंड स्वीट्स मतलब क्या खाना और मीठा फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के लिए। बट लेकिन फॉर मिसेस पम्परे, मिसेस पम्परे के लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट ये बहुत कठिन होता है बिकॉज क्योंकि सी पेम्पर्स वो बहुत लाड प्यार करती है ट्रिकी को, ट्रिकी को लाइक ए चाइल्ड एक बच्चे की तरह, क्योंकि वो ट्रिकी को एक बच्चे की तरह लाड प्यार करती है। मिसेस पम्फ्रे इज़ वेरी केयरिंग, मिसेस पम्फ्रे बहुत ध्यान देने वाली महिला होती है, बहुत केयर करती है। सी कॉन्स्टेंटली वो निरंतर या लगातार इंक्वायर्स मतलब क्या छानबीन करती है अबाउट हिज हेल्थ उसके स्वास्थ्य के विषय में फ्रॉम मिस्टर हैरियट मतलब फ्रॉम डॉक्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट से। सी इज़ वेरी काइंड लेडी, सी इज़ अ वेरी काइंड लेडी एक बहुत दयालु महिला है। डिस्क्राइब वर्णन करिए द ट्रीटमेंट मतलब क्या उपचार का ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी के इन डिटेल्स विस्तार से डिटेल में। ट्रिकीज मेन प्रॉब्लम ट्रिकी की मुख्य समस्या वॉज थी हिज ग्रीड उसका लालच फॉर फूड भोजन के लिए। फॉर 2 डेज 2 दिनों तक डॉक्टर हैरियट ने गिव दिया नो फूड कोई भी भोजन नहीं बट प्लेंटी ऑफ वाटर लेकिन भरपूर मात्रा में पानी टू द डॉग कुत्ते को। मतलब 2 दिनों तक डॉक्टर हैरियट ने कुत्ते को कोई भोजन नहीं दिया बल्कि खूब पानी पिलाया मतलब भरपूर मात्रा में पानी पिलाया। ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन ट्रिकी ले मोशनलेस, ट्रिकी लेटा रहा मोशनलेस मतलब बिना हिले डुले स्थिर। ऑन द कारपेट कारपेट पे। ऑन द सेकेंड डे दूसरे दिन ही स्टार्टेड शोइंग सम इंटरेस्ट, ही स्टार्टेड शोइंग मतलब वो दिखाने लगा सम इंटरेस्ट मतलब कुछ रुचि इन हिज सराउंडिंग मतलब अपने आसपास की चीज़ों में। ऑन द थर्ड डे तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर वो ठिनठिनाने लगा। वेन जब ही हर्ड उसने सुना डॉग्स मतलब क्या कुत्तों को इन द यार्ड मतलब बाड़े में। फ्रॉम देन तब से हिज प्रोग्रेस उसकी जो उन्नति थी वॉज रैपिड तेज हो गई। ही स्टार्टेड फाइटिंग वो लड़ने लगा फॉर हिज शेयर अपने हिस्से के लिए ऑफ फूड भोजन के, वो अपने भोजन के हिस्से के लिए लड़ने लगा। एंड हंटिंग शिकार करने लगा रैट्स मतलब क्या चूहों का एट नाइट मतलब रात में। दस इस प्रकार से टिकी वॉज ट्रीटेड, ट्रिकी का इलाज किया गया विदाउट मेडिसिन बिना किसी दवा या सर्जरी या शल्य चिकित्सा के। आइए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन। मिसेस पम्फ्रे वॉज रिस्पॉन्सिबल, मिसेस पम्फ्रे जिम्मेदार थी या उत्तरदायी थी फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, ट्रिकी की खराब स्थिति का। डिस्क्राइब वर्णन के लिए इट इसका इन डिटेल डिटेल में। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी ऑनर, ट्रिकी की जो मालकिन थी वॉज रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या रिस्पॉन्सिबल थी या जिम्मेदार थी फॉर हर डॉग्स अपने कुत्ते के पुअर कंडीशन मतलब खराब स्थिति के।
बिकॉज क्योंकि सी स्पॉइल्ड, उसने ख़राब कर दिया था हिज हेल्थ, उसका स्वास्थ्य, एंड डिडंट प्रोवाइड, और उसने प्रोवाइड नहीं कराया, उपलब्ध नहीं कराया प्रॉपर एक्सरसाइज, मतलब क्या उचित व्यायाम। सी स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, सी स्पेंट मतलब वो खर्च करती थी, ए लॉट ऑफ मनी मतलब ढेर सारा पैसा, ऑन एक्सपेंसिव फूड मतलब क्या महंगे भोजनों पे, एंड फेड और खिलाती थी ट्रिकी को मोर देन ही नीडेड, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा, मोर मतलब ज़्यादा, देन ही नीडेड जितना उसको ज़रूरत था, मतलब उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसको खिलाती थी। सी आल्सो इग्नोर्ड, उसने इग्नोर्ड भी कर दिया, उसने नज़रअंदाज भी किया द वेट्स एडवाइज मतलब पशु चिकित्सक के सलाह को टू कट डाउन, कम करने की ऑन ट्रिकीज फूड, ट्रिकी के भोजन को। मिसिस पम्फ्रे डिडेंट मेक ट्रिकी एक्सरसाइज, मिसिस पम्फ्रे डिडेंट मेक मतलब नहीं करवाया ट्रिकी को एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, एंड और ही बिकेम ओवरवेट मतलब क्या वो अत्यधिक ओवरवेट हो गया, मोटा हो गया, एंड इनएक्टिव और निष्क्रिय हो गया। सी गेव ट्रिकी, उसने ट्रिकी को दिया टू मच लव, ढेर सारा प्यार एंड अटेंशन और ध्यान, एंड ही वॉज रेडी और वो तैयार रहता था टू ईट एनी टाइम, एट एनी टाइम मतलब किसी भी समय खाने को। डिस्क्राइब वर्णन करिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मतलब क्या सबसे महत्वपूर्ण पात्र का ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के ट्रम्प ऑफ सर्जरी के किस ट्रिकी ट्रिकी का इन डिटेल, डिटेल में। ट्रिकी वॉज स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था। हिज मिस्ट्रेस वॉज मिसिस पम्फ्रे, उस हिज मिस्ट्रेस मतलब उसकी मालकिन, वॉज मतलब थी, मिसिस पम्फ्रे उसकी मालकिन मिसिस पम्फ्रे थी। सी लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत प्रेम करती थी। हिज फेवरेट फूड, सेकेंड हेडिंग देखिए, हेडिंग है हिज फेवरेट फूड, उसका प्रिय भोजन। सी गेव हिम वेरियस डिशेस, वो उसको कई प्रकार के व्यंजन देती थी टू ईट मतलब खाने के लिए। बट लेकिन ही लव्ड, उसे प्रेम था टू ईट खाने से, क्रीम केक एंड चॉकलेट, क्रीम केक और चॉकलेट्स वेरी मच बहुत ज़्यादा, मतलब वो कई प्रकार के उसको व्यंजन देती थी खाने को, लेकिन उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद था। द रीजन फॉर हिज इलनेस, द रीजन मतलब कारण, फॉर हिज इलनेस उसकी बीमारी के लिए, अर्थात तो उसके बीमारी का कारण। ओवर फीडिंग मतलब अत्यधिक भोजन बाय हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के द्वारा, वॉज द मेन रीजन, मुख्य कारण था फॉर हिज इलनेस, उसकी बीमारी के लिए। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची था। हिज ट्रीटमेंट, उसका इलाज। ही वॉज हॉस्पिटलाइज, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, भर्ती किया गया। ही वॉज गिवेन नो फूड फॉर 2 डेज, उसको 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया गया। ही वॉज गिवेन ए लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, उसे ढेर सारा पानी दिया गया टू ड्रिंक पीने के लिए। ही हैड ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू डू, उसे ढेर सारा व्यायाम करवाया गया। दिस मेड हिम क्वाइट फिट, और इन सब चीज़ों ने उसे काफ़ी चुस्त बना दिया। तो दोस्तों ये था एट्रम्प ऑफ सर्जरी का लॉन्ग आंसर, तो आशा है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।